सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज का ब्लॉग पूरा आप लोग देखना, क्योंकि आज है कुछ खास दिन। क्या खास दिन है? क्योंकि आज है सोल्टा का बर्थडे। नहीं मतलब आज नहीं, कल है। तो सोल्टा ने स्पेशली कॉल करके बोला कि कहीं चलेंगे बाहर घूमने के लिए, और क्योंकि कल हम लोग ट्यूजडे है, तो कल उसका बर्थडे है, कल ट्यूजडे, तो हम लोग ऐसे कुछ खा भी नहीं सकते, ठीक है। इसीलिए वो कह रहा था कि आज चलेंगे बाहर कहीं घूमने के लिए और कहीं बढ़िया कुछ खाएंगे। तो देखते हैं सोल्टा कैसा पार्टी दे रहा है और क्या दे रहा है, कहाँ दे रहा है। तो वो अभी सीधा भैया दुकान पे गया है और हम लोग भी सीधा दुकान पे निकलेंगे। मैं सॉरी, हम लोग बोल रहे, मैं इधर सीधा दुकान पे निकलूंगा। तो उसके बाद मैं, रोहित भैया और शोल्टा, शायद हम लोग नरेंद्र भी ज्वाइन करेगा, देखते हैं। अगर वो आया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग तीनों जन, अब देखते हैं कहाँ जाएंगे। शोल्टा हम लोग कहाँ लेके जाने वाला है। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो बहुत दिन से बोल रहा था कि पार्टी करेंगे पार्टी करेंगे। तो देखते हैं क्या पार्टी दे रहा हो, जो भी हो अपना तो चलता है जैसा भी हो। सो गाइस, आप लोग अपना अपना हालचाल बताइए, और आई होप आप लोग सब कोई मस्ती होंगे। सो गाइस, चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके जो बताए वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। सो सीधा हम लोग निकलते हैं और सीधा चलते हैं दुकान पे, और आप लोगों से मिलते हैं सीधा दुकान पे, और छोटा से मिलते हैं दुकान पे। चलो तो गाइस, हम सीधा निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हम लोग दुकान नहीं गए थे। हम सीधा रोहित भैया घर आ गए थे, सब घर पे थे, और हमारे साथ है नरेंद्र और ये है सोहन सोल्टा। और ये है बर्थडे इसका है, ये देखा पार्टी वार्टी होने वाला है। वही ये कुल मिला के बात, वही आरसी है, आरसी गाड़ी का, गाड़ी का आरसी। रात को गाड़ी पर चलाने पर नहीं। कुशल भाई कैसा लग रहा है? सही रोहित भाई, कुशल भाई स्वाद बताइए। अच्छा है, असलम का चिकन अच्छा है। हाँ, और बटर में थोड़ा स्वाद अच्छा होता है ना, बटर में आपका बटर चिकन बोले यही है, चिकन यही है। मैं सलमान खान हूँ। अच्छा
सोल्टा का बर्थडे में थोड़ा सा हो गया बारिश ज्यादा, और भैया को इतना खाने के बाद भी भूख लग रहा है यार। कहाँ कहाँ से घूम के, दिल्ली से घूमने बेकार आदमी ने मेरे मंगलवार को बर्थडे पटरा बोल के मैं बच गया, लोग सोमवार से फैलने शुरू कर दिया पूरा। अभी रात का बज रहा एक और बारिश हो रहा, देखो गए इधर पर तेज बारिश हो रहा। ये वेजिटेरियन बंदा रात के 1 बजे खाना खा रहा है, आसमान के पास भेज दिया। जिसको जाना था प्रदीप भोजनालय, जो बंदा जाना था प्रदीप भोजनालय उसको हम लेके चले गया कुरेशी भाई के पास। कुरेशी भाई के पास मुंह बंद करके हिजाब लगा के गया था। तो उन्होंने चाय मंगा लिया, चाय पियेंगे उसके बाद फिर निकलते हैं घर। चाय पियेंगे, चाय चाय पिएगा, आइसक्रीम खाएगा बेटे भी बहुत अच्छा था। भी अच्छा बहुत अच्छा था। 7 hours later. So hello, good morning guys. अभी हम लोग वापस से निकल पड़े हैं, मैं और सोल्टा, और सोल्टा को सबको हैप्पी बर्थडे एक बार वापस से बोल दो, क्योंकि सोल्टा बर्थडे का बॉय है। पार्टी बर्थडे का बॉय, पार्टी नंबर टू। अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ, मजनू का टीला जा रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत दिन हो गए, बरिश्ता नहीं है, बरिश्ता जा रहे हैं और जैसे ही और इधर दिखाइए, और जैसे ही मेरा बर्थडे आता है तो बरिश्ता और ये सब ज्यादा ही याद आते हैं सबको, क्योंकि उसके बाद वैसे ये चवन्नी जाने के लिए सोचते हैं यार बाद में बात करते हैं, चलो अच्छा ना रहेगा ज्यादा आगे चलते हैं। नहीं तो मैंने यही बार तो चलो सीधा चलते हैं, अब मिलते हैं वहीं से आपके डायरेक्ट मजनू का टीला। मजनू का टीला में ड्राइवर को देख लो, यहाँ पे डोला बुक किया हमने उसका, ओला तो नहीं किया, उसका डोला बुक करके ले जा रहा है मिस्टर रोहित कुमार। सो वो ड्राइवर हमारा हमेशा का परमानेंट ड्राइवर, हमने परमानेंट सैलरी में रखा उनको। खाने में एडजस्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो सीधा मिलते हैं आपसे वहीं पे। हम लोग पहुंच चुके हैं मजनू का टीला फिर से वापस से। मजनू का टीला नरेंद्र भाई पहली बार आया ना, नरेंद्र भाई पहली बार आया, हम लोग तो बहुत बार आ चुके हैं वैसे। तो चलो नरेंद्र को आज घुमाते हैं। आज के वक्त में ना ये जगह पसंद नहीं आएगी, आज तो बिल बोलेंगे आज के वक्त में टीला संजय दत्त पीयू जी। भैया ने एक टी शर्ट खरीद लिया रील बनाने के लिए, टिकटॉकर फिरते आ गए हैं हम लोग। कौन सा कैफे का नाम है, कैफे का नाम क्या पड़ा? लासा रेस्टोरेंट कैफे। ये आमा कैफे में बहुत भीड़ था, यहाँ थोड़ा खाली खाली था इसीलिए, क्योंकि वहाँ पे कितना 45 मिनट का वेटिंग था, 20 लोग वेटिंग और वहाँ पे वेटिंग रोहित उल्टा बोल रहा है, 45 मिनट बोल रहा है, आधा घंटे बोला 45 बोल रहा है, वो एक घंटे बाद बोल रहा है। बैठे हुए थे ऑलरेडी वहाँ पर, बहुत ज्यादा भीड़ था, सब जहाँ थोड़ा खाली था यहाँ पे। टेस्ट वही देना है हमको, वही यार अभी। तो गाइस हमारा ऑर्डर आ गया, ये देखो ये मेरी कॉफी है, और ये हमारा आ गया है पिज्जा, और ये क्या है भाई सैंडविच है, ये कौन सा सैंडविच है भाई? एक सैंडविच में झन दो मंगा रहा था, कैसा लग रहा है आपको ये पास्ता? अच्छा लग रहा है, आराम का है ना इसीलिए। ये क्या पी रहे हो, ये क्या है, ये कैसा लग रहा है? टेस्ट मैटर रखता है ना भाई, टेस्ट मैटर रखता है, टेस्ट मैटर रखता है।
जल्दी में आया हूँ। लौट रहे हैं यहाँ से सीधे घर की ओर और शाम को भी थोड़ा केक वेक काटेंगे सोल्टा का वहाँ पे, तो वहाँ पे राहुल भैया लोग आने वाले हैं, राहुल भैया नहीं राहुल वगैरह, और हमारे लाल डिब्बा इधर है तो वहाँ निकलते हैं। चलो सर, इधर पहली बार आया तो कैसा लगा आपको महेंद्र? बहुत अच्छा है। क्या लग रहा था, कहाँ पे आए हो? लग रहा है दिल्ली में नहीं हुआ, दिल्ली में नहीं हुआ। बहुत अलग वाइब है, बहुत अच्छा लगा, लोग बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत, खाना बहुत अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था। और क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या पिया था? हमारी शॉप पे कोड़ा ये मत पूछो, ये नहीं बताऊंगा, ये आपको वीडियो के पीछे पता चलेगा कि मैंने क्या खाया था और मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। तो गाइस अभी पार्टी चालू होने वाला है, केक कटने वाला है। अरे राहुल डांस सीख रहा है, गौरव बोल। बर्थडे आज मैं केक काटने वाला हूँ, हैप्पी बर्थडे टू यू पूरन, साथ में होकर बॉयज।